राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उनके मन में है। आप सबको फिर से एक बार जगन की तरफ से राम उनके हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज अपना परिचय देने जा रहा हूँ संपर्क में। मेरा नाम प्रदीप धवन, मैंने एक्चुअली जीवन फ्रेंड इसमें मिला नहीं जाता है इसलिए दोबारा चला गया। फैमिली मेंबर में मेरी माता जी हैं, मिसेस मंजिली धवन, बच्चों में मेरी लड़की शर्मणी धवन जो इंटर डॉक्टर में नाम मुझे जो एक एलर्ट थी थर्ड ईयर, लड़का है शार्दुल धवन जो अभी टेंथ में है। एक्चुअली मेरा अभी रेसिडेंशियल जो फैमिली नई मुंबई सागर में रहती है और मैं यहाँ पे नागपुर में शिफ्ट हुआ बिजनेस के लिए। मेरा बर्थ प्लेस नागपुर है, बॉर्न एंड बॉर्डर नागपुर। नागपुर के पास एक विलेज है गोडखेरी करके 20 किलोमीटर, वहाँ पे मैं पढ़ा लिखा हूँ 10वीं तक के वहाँ से पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मेरा एजुकेशन नागपुर में 12वीं तक कमला नेहरू में, ग्रेजुएशन DLC में हुआ था, फिर ग्रेजुएशन फिर से कमला नेहरू में किया। मेरी हॉबीज है बेसिकली मैं थोड़ा रीडिंग करता हूँ न्यूज़पेपर प्लस मराठी नॉवेल्स, जिसमें जैसे रंजीत देसाई, जैसे छावा बुक्स हो गया या फिर जो मराठी लेखक है उनको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो ज़्यादा पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। वॉचिंग TV जो सबके जैसे IPL हो गया, कुछ मूवीज़ हो गए, कुछ OTPs हो गए वो देखता हूँ। और लिसनिंग में मुझे मोस्टली ओल्ड सॉन्ग जो होते हैं जैसे देवानंद हो गया, आशा भोसले जो गोल्डन है सॉन्ग्स वो सुनने में अच्छा लगता है, मराठी सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है। मेरा बिजनेस का नाम है देवल एंटरप्राइजेस। ये बिजनेस मैंने 1.5 साल पहले चालू किया था। बहुत दिनों से तमन्ना थी मेरी कि मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करूँ। ऑलमोस्ट 25 साल का मेरा करियर रहा है, मैं एज ए अकाउंटेंट करके काम करता था। चालू किया था मेरा करियर नागपुर से, लता मंगेशकर में एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन किया था। और जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैं मुंबई में नई न्यूज स्टूप कंसल्टेंट करके एक कंसल्टेंसी फर्म थी, फ्रेंच बेस्ड कंपनी, वहाँ पे एज ए सीनियर मैनेजर अकाउंटेंट करके मैंने वहाँ से रिजाइन किया। वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे अपना मतलब थोड़ा सा पहले यहाँ पे बिजनेस चालू किया था। सबसे पहले मैंने दालमिया सीमेंट की डीलरशिप ली जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था महाराष्ट्र में। दालमिया सीमेंट जो कि साउथ में थोड़ा सा बेंगलोर एरिया में साउथ में सबसे ज़्यादा नंबर वन ट्रेन वहाँ पे उनका से, उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया। 2 साल पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने वहाँ पे उनका डीलरशिप किया और उसमें भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने बिजनेस जब सीमेंट की डीलरशिप की उसके साथ साथ मैंने सोचा कि इसके साथ सिर्फ सीमेंट के ऊपर मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने बिजनेस मटेरियल सप्लाई का भी चालू किया जिसमें एग्रीगेट्स, जिसमें गिट्टी, रेती, एल्ब्रिक्स, स्टील्स ये सब प्रोवाइड करना चालू किया, सप्लाई करता हूँ। मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा MCOM हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने बॉम्बे में जाके जब मैं करियर मैंने देख रहा था तब मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम MBA फाइनेंस किया था ITM इंस्टीट्यूट से। 2 साल का कोर्स था वो, वहाँ पे सैटरडे संडे क्लासेस होते थे, सैटरडे इवनिंग और संडे पूरा, ऐसा मैंने 2 साल वहाँ पे MBA का कोर्स किया और सक्सेसफुली 2 साल में कंप्लीट भी किया विदाउट एनी एटीपी और एनआरटीपी फ्री। स्किल्स में मेरा मोस्टली मैं समझ सकता हूँ या फिर मुझे जो अप्रिशिएट मिला है मेरा स्किल्स रहा कि एज अकाउंटेंट मेरा अकाउंटेंसी अच्छा है, ग्राफ्टिंग अच्छा है, एनालिसिस में अच्छे से कर सकता हूँ, अकाउंटिंग का जैसे ट्रायल बैलेंस देख के मैं बता सकता हूँ कि किस तरह से बैलेंस शीट है, क्या करेक्शन से किस तरह से करना चाहिए। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंटेशन एक पार्ट अच्छा है क्योंकि अकाउंटिंग है तो डॉक्यूमेंटेशन मस्ट नेसेसिटी, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप अकाउंटेंसी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो मेरा करियर मेरा मैं एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा क्योंकि वहाँ पे मैं अकाउंटेंसी डॉक्यूमेंटेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, तो साथ में मैं लाइजनिंग आउटसाइड जो लाइजनिंग करनी पड़ती है कंपनीज को, गवर्नमेंट से हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ भी मेरा लाइजनिंग का रिलेशन अच्छा रहा, वहाँ पे मैंने अच्छा किया, उसके लिए काफी बार मुझे ऑफिस से रिकमेंडेशन भी मिला हुआ। मेरा सोशल नेटवर्क्स में जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया संपर्क, उसके अलावा मैं अपने सोसाइटी का जो मुंबई में है वहाँ पे 7 साल के लिए चेयरमैन था, 2 साल प्रोविजनल कमेटी का चेयरमैन था, उसके बाद इलेक्शन हुआ मैनेजमेंट कमेटी बनी, वो मैनेजमेंट कमेटी में मैं 5 साल चेयरमैन रहा।
जब मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा था, यहाँ पे शिफ्ट होता मुझे लगा कि मैं वहाँ पे शायद ध्यान नहीं दे पाऊंगा, उतना फोकस नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, तो वहां से रिजाइन करके मैं पूरी तरह से यहाँ पे शिफ्ट हूँ। उसके अलावा आफ्टर 30 इयर्स जब मैं नागपुर में आया, जहाँ से मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, उस स्कूल का 30 इयर्स बाद मैंने रीयूनियन अरेंज किया, आज मैं उसका मेंबर हूँ। हम सारे फ्रेंड जो 91, 92 और 93 ये तीन बैच में जो स्कूल के हमारे फ्रेंड्स थे, जो ऑलमोस्ट हमारे मेंबर से निकल गए थे या फिर हम किसी वजह से कॉन्टेक्ट में थे, उन सबको गैदर करना, उनका एक रीयूनियन बना, जो कि एक मेरे लिए अचीवेबल मोमेंट था, क्योंकि 30 साल के बाद हमारे उन बच्चों मतलब उन दोस्तों को फिर से आके फिर से वो एंजॉय करना, वो एक मेमोरेबल था हमारे लिए, जिसमें हमारे जितने भी स्कूल टीचर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन सबको हमने बुला के उनका सत्कार किया, आदर सत्कार किया, कि उनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मेरे गोल्स है कि एक लेडी बेटी बनकर सरकार बनूंगा नागपुर में, उसके बाद मुझे एक खुद का बिल्डिंग मटर का शॉप डालना, आज के बेस में मैं गोडाउन में है वहां पे मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं बैठता कहीं और हूँ, पूरी तरह से मेरा बिल्डिंग मटर का मैक्सिमम का मेरा फोन पे होता है कि कांटेक्ट करता है जिसको चाहिए उनको मैं अरेंज करके देता हूँ। और तीसरा गोल है कि मेजर भी मुझे काम दे उस चीज का डीलरशिप लेना है, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, तो मेरा टारगेट है कि 25 तक जो मैं अचीव कर लूंगा। आप मुझे रेफरल दे सकते हैं गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर और सिविल कॉन्ट्रेक्टर के साथ, जो आर्किटेक्ट्स हैं डिजाइन करते हैं उनका रेफरल दे सकते हैं, जो कि एजरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, बिल्डर्स जैसे यहाँ पे भी काफी है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हर तरह का मटेरियल जो भी आपके रीजनेबल रेट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो आरएमसी प्लांट चलाते हैं उनका आप रेफरल दे सकते हैं, जो हाई इंडिविजुअल नहीं कर सके, किसी को घर बांधना है, किसी का मटेरियल चाहिए, किस तरह से चाहिए, तो आप मुझे उनका रेफरल दे सकते हैं। प्लस मैन्युफैक्चर सीमेंट मटेरियल, जो कि जैसे सीमेंट का और भी मटेरियल बनते हैं, जैसे पाइप्स हो गया और अलग तरह के घर हो गया टाइल्स है, तो उनका भी आप मुझे रेफरल दे सकते हैं। मोस्टली मैं डील करता हूँ दानियों सीमेंट में, जैसे पीपीसी और ओपीसी का ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों में करता हूँ, मोस्टली ट्रेड में पीपीसी सीमेंट बिकता है, और नॉन ट्रेड में ओपीसी और पीपीसी दोनों है, दोनों के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग प्राइस रेंज भी है। उसके बाद पेवर ब्लॉक्स, एजरिक, सॉफ्ट एंड हार्डवुड, रिवर सैंड, एग्रीगेट्स आपका रेती गिट्टी मतलब क्रश सैंड रेती गिट्टी पूरे एमएम में आता है, चूरी जीएसटी सब आता है, प्लस टीएम के पास था रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, प्लस मेरा एड्रेस है देवर इलेक्ट्रो पैलेस के लिए, आप मुझे आज बार मौका दीजिए, धन्यवाद।